हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक तरफा प्यार में पगलाए सिरफिरे आशिक ने शादी वाले घर में घुसकर सबके सामने दुल्हन की गोली मारकर बेदर्दी से हत्या कर दी। गोली की आवाज से शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। सिरफिरे प्रेमी ने तमंचे से सीधे दुल्हन की आंख पर गोली मारी थी। खून से लथपथ दुल्हन जमीन पर गिर पड़ी। गोली की आवाज सुन पिता और परिजन दौड़ कर दुल्हन के पास पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन लाल जोड़े में ही पिता की गोद में दुल्हन ने दम तोड़ दिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक मथुरा जिले के मुदरिकपुर गांव के रहने वाले खुदी राम प्रजापति की बेटी काजल की गुरुवार को शादी थी। बारात नोएडा से आई थी। दुल्हन के घर वालों ने बारात का स्वागत सत्कार किया। रात करीब 1 बजे वरमाला की रस्म हुई। काजल ने अपने होने वाले दुल्हे को वरमाला पहनाई। स्टेज पर खूब हंसी ठिठोली हुई। वरमाला के बाद दुल्हन को उसकी बहन और सहेलियां वापस उसके कमरे में ले आई। दुल्हन जैसे ही अपने कमरे में गई, तभी कार्यक्रम स्थल पर 2-3 युवकों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दुल्हन के पिता खुदीराम ने बताया कि हत्यारे अनीश के भाई और 2 दोस्तों ने बारात पर पत्थर फेंके। इनके नाम हैं कपिल, संजू और पंकू। घर के लोग इन युवकों के पीछे दौड़े तो वहां हड़कंप मच गया। शोर शराबा सुनकर दुल्हन के साथ जो रिश्तेदार कमरे में थे वो भी बाहर आ गए। तभी पहले से घात लगाकर बैठा सिरफिरा अनीश दुल्हन के कमरे में घुस गया। वहां उसने तमंचे से दुल्हन काजल की आंख में गोली मार दी। इसके बाद वो वहां से भाग निकला। गोली चलने की आवाज सुनकर सब लोग कमरे की तरफ पहुंचे तो वहां खून से लथपथ काजल जमीन पर गिरी हुई थी। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुल्हन के पिता खुदीराम ने बताया कि गांव के रहने वाला अनीश काजल को लगातार परेशान करता था। वह काजल से एकतरफा मोहब्बत करता था, मगर काजल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके चलते ही खुदीराम ने 4 महीने पहले काजल को पलवल में उसकी बुआ के घर भेज दिया था। काजल 24 अप्रैल को मथुरा लौटी थी। इसके बाद 26 अप्रैल को उसकी लगन हुई और 28 अप्रैल को शादी थी। मेरी बेटी की शादी जी जयमाला पढ़ के मेरी बेटी घर गई जी, और घर गई कुर्सी पे बैठी कमरे में, एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसने मेरी बेटी के ये आँख के बगल में गोली मारी जी, और गोली मारते मेरी बेटी खत्म हो गई। मैं उसे लाया पकड़ के तो वारदात से पहले अनीश ने बारात लेकर पहुंचे दूल्हे मुन्ना लाल को भी धमकी दी थी। बारात की चढ़त के दौरान अनीश वहां पहुंचा और दूल्हे को धमकी दी कि अगर उसने काजल के साथ साथ फेर लिए तो वह उसे गोली मार देगा। हालांकि उस समय गांव के लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद डर के साए में खुदीराम ने अपनी बेटी की बारात निकलवाई। गांव के लोगों ने बताया कि एक तरफा प्रेम में पागल अनीश के प्रस्ताव को जब काजल ने ठुकरा दिया तो वो पागल हो गया था। अनीश काजल के घर से महज 400 मीटर दूर ही रहता था। वहीं हत्या की बात पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब अनीश की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा, यूनिजीपी।